सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप एक ही क्लिक में अपनी वीडियो का कलर चेंज कर सकते हो या बोल सकते हो आप अपना वीडियो एक क्लिक में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज तो वीडियो का कलर चेंज करने के लिए हमें इस ऐप का जरूरत पड़ेगा। इस ऐप का नाम है BN वीडियो एडिटर। तो इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और सिर्फ आप एक ही क्लिक में इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हो किसी भी वीडियो का। तो हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसे ओपन करना है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा UI देखने के लिए मिलेगा, यानी कि यूज़र इंटरफेस। उसके बाद नीचे प्लस आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे जिस वीडियो का आप कलर चेंज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपना वीडियो सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, जो कि मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से ये जो आपको एरो का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका वीडियो आ जाएगा इस वीडियो एडिटर ऐप के अंदर, यानी कि BN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे टाइमलाइन पर वीडियो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। और आपको थोड़ा स्क्रॉल करके इसकी एंड पोजीशन पर आ जाना है और आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पार्ट दिखाई देगा या स्क्रीन दिखाई देगा, सो इसको डिलीट कर लेना है डिलीट के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि इसके अंदर वाटरमार्क आ जाता है। तो अगर आप इसे डिलीट कर लेंगे तो वाटरमार्क चला जाएगा, ठीक है। सो आप डिलीट कर लेना। उसके बाद वीडियो का कलर चेंज करने के लिए फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे काफ़ी सारा जो है लाइट देखने के लिए मिलेगा, जिन्हें आप प्रीसेट कर सकते हो। जिस तरीके से आप लाइटरूम के अंदर प्रीसेट ऐड करते हो, उसी तरीके से आप इसके अंदर वीडियो का प्रीसेट ऐड करके वीडियो का कलर चेंज कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं अपना वीडियो सबसे पहले प्ले करता हूँ और यहाँ पर मैं एक प्रीसेट आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक में पूरा वीडियो का कलर चेंज हो चुका है। मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो प्रीसेट, आपको प्रीसेट कहाँ मिलेगा। तो सब कुछ आपको इस वीडियो पर जानने के लिए मिलेगा। आप इस तरीके से एक क्लिक में प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। ओपासिटी आप यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो आप देख सकते हो। सो काफ़ी सारा प्रीसेट है, आपको जिस टाइप का प्रीसेट चाहिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हो एंड जस्ट एक ही क्लिक में आप अपनी वीडियो का कलर चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। सो यहां से आप इनका ओपासिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपको मिलता है एडजस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ, सो ये कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो इतना आपको पता चल चुका है, आप यहाँ पर लाइटरूम पर जिस तरीके से आप फोटो एडिट करते हो उसी तरीके से आप वीडियो का कलर इस ऐप के अंदर चेंज कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि आप कैसे इंपुट कर सकते हो प्रीसेट इसके अंदर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ये आपको कस्टम पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लस आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारा जो है प्रीसेट ऐड करके रखा हूँ, जिनको मैं अपनी वीडियो पर किसी भी वक्त यूज़ कर सकता हूँ एक क्लिक करके। तो आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताया तो आपको मिलेगा कहाँ इस तरीके का। तो आप भी आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा प्रीसेट का लिंक, तो आप प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीसेट जो है जिप फाइल के साथ होगा और जिप फाइल को आप अनजिप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अनजिप नहीं करेंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते हो इस ऐप के अंदर, तो अनजिप करना ज़रूरी है इसके अंदर ऐड करने के लिए। तो उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फाइल मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की तरफ 3 डॉट मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। आप अपना स्टोरेज सिलेक्ट कर लेंगे। स्टोरेज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना फोल्डर चूज करेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपने प्रीसेट को अनजिप किया हो। तो मेरा ब्लूटूथ फोल्डर के अंदर अनजिप करके रखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मेरा फोल्डर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड अनजिप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा प्रीसेट। तो यहाँ से आपको प्रीसेट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी प्रीसेट आपको ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करना है और एक एक करके सबको आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हो नीचे आ चुका है सक्सेसफुली इम्पोर्टेड 1, यानी कि इम्पोर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ से सब को एक एक करके इम्पोर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर और आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं सबको मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर लिया, मैं आपको एक इम्पोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये मुझे बताएगा दिस फिल्टर हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोर्टेड, ये मुझे बोला है कि आपने इसको ऑलरेडी पहले इम्पोर्ट कर लिया हो और आप इसे दोबारा इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक एक करके अपना सारा प्रीसेट BN एडिटर ऐप के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हो।
तो ये आप देख सकते हो, ये भी मुझे बोल रहा है कि इसको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। तो इसी तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर प्रीसेट, और उसके बाद आपको ये कस्टम पर मिल जाएगा सारा प्रीसेट, जो भी प्रीसेट आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट को ओपेसिटी कम ज़्यादा करके भी देख सकते हो, और आप अपनी वीडियो पर किस टाइप का कलर अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो मैं कुछ इस टाइप का अप्लाई करूँगा, उसके बाद कर देना है डन। यहाँ से आप प्ले करके एक बार प्रीव्यू कर लेना, और अगर प्रीसेट आपकी वीडियो के साथ मैच नहीं होता है तो मैंने आपको जैसे कि दिखाया है एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हो सारा चीज़ें, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर, विग्नेट को थोड़ा अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से। सो अभी बात करते हैं कि कैसे आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो। वीडियो का कलर आपने चेंज कर लिया, अभी आप वीडियो को सेव करना चाहते हो अपनी गैलरी में, तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से 4K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हो। लाइक मैं 2K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करता हूँ, फ्रेम रेट में 30 चूज़ करता हूँ, और बिटरेट को मैं हाई रखूँगा। उसके बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से पूछ सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा।